विंडोज आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे विंडोज सिस्टम बैकअप कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको यूट्यूब के ऊपर जाना है। यूट्यूब के अंदर सर्च बॉक्स के अंदर मेरे जो चैनल है द एजटेक उसको सर्च करना है। मैं इसलिए सर्च करा रहा हूँ ताकि मैंने एक वीडियो के अंदर उसकी डाउनलोडिंग लिंक और उसकी प्रोडक्ट लिंक मैंने उसके अंदर मेंशन की, इसलिए आपको यूट्यूब के ऊपर द एजटेक चैनल के ऊपर जाना है। जाने के बाद आपको वीडियो के अंदर जाना है। वीडियो के अंदर आपको थर्ड वीडियो होगा हाउ टू क्रिएट अ वन की विंडोज सिस्टम, उसके ऊपर क्लिक करना है। उसके नीचे आपको डिस्क्रिप्शन शो होगा, जैसे आप डिस्क्रिप्शन के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको राइट हैंड साइड के ऊपर एक डिस्क्रिप्शन शो होगा। डिस्क्रिप्शन के ऊपर आपको डाउनलोडिंग लिंक है और उसके अंदर एक प्रोडक्ट लिंक है। जैसे आप डाउनलोडिंग लिंक के ऊपर क्लिक करते हो डाउनलोडिंग लिंक का वेब पेज ओपन होगा और एक प्रोडक्ट लिंक का ओपन होगा। डाउनलोडिंग लिंक के ऊपर के बाजू में प्रोडक्ट लिंक के ऊपर आपको एक ऑफर होगी, उसको आप ऑफर यूज़ कर सकते हो अगर आपको ये सॉफ्टवेयर परचेस करना है तो। पर्सनल यूज़, बिजनेस यूज़ और सर्विस प्रोवाइडर के अंदर भी उसके अंदर ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट के अंदर हम लोग देखेंगे डाउनलोड फ्री, उसके अंदर आपको 60% ऑफ का भी मैसेज आपको नीचे शो कर रहा है। फ्री टू ट्राई टू एडवांस OEM, जैसे हम लोग डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास जो भी डाउनलोड सॉफ्टवेयर होगा उसके जरिए आप डाउनलोड कर सकते हो। अगर नहीं है तो आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। मैं इस थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर इसलिए यूज़ कर रहा हूँ IDM, ताकि मुझे नेट की अच्छी सी खासी स्पीड मुझे मिल सके और वीडियो बहुत ही शॉर्ट बन सके। जब तक ये डाउनलोडिंग होता है तब तक हम लोग वीडियो को पॉज करेंगे और डाउनलोडिंग होने के बाद हम वीडियो को कंटिन्यू करेंगे ताकि वीडियो लंबा ना हो। हम लोग वीडियो को वापस से रिकॉर्ड करेंगे तो आप देख रहे हैं 1 मिनट से मुझे 7 सेकेंड शो कर रही है। ये मेरा 1 सेकेंड एंड देन कंप्लीट द वीडियो। जैसे वीडियो कंप्लीट डाउनलोडिंग कंप्लीट हो जाएगा आपको उसके ऊपर डबल क्लिक करना है सेटअप के ऊपर। जैसे सेटअप के ऊपर आप डबल क्लिक करते हो तो उसका सेटअप रन होगा। जैसे आपका सेटअप स्टार्ट होगा तो आपको पूछेगा यस और नो। जैसे यस नो का आएगा तो आपको ब्लैंक स्क्रीन शो होगी। अब जैसे यस करोगे तो यस होगा। फिर आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करने के बाद ओके करना है। जैसे ओके करोगे तो आपको सिस्टम के अंदर सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली आपको एक ऑप्शन शो होगा स्कीप और प्रो ट्रायल। हम लोग ट्रायल के ऊपर जाएंगे। जैसे उसके आप इंस्टॉल नाउ के ऊपर जैसे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली उसका जो भी डिफॉल्ट पाथ होगा उसके अंदर इंस्टॉल होगा। जब तक ये इंस्टॉल होता है तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बटन के ऊपर क्लिक करें ताकि आपको आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और आपको वीडियो में कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके भी मुझे बता सकते हो। तो ये बैकअप किस काम में आता है, इसका क्या पर्पस है, तो मैं और भी आपको कमेंट के अंदर गाइड कर सकता हूँ। जैसे ये वीडियो इंस्टॉलेशन कंप्लीट होगा उसके बाद हम लोग उसका नेक्स्ट प्रोसेस देखेंगे। क्लोन क्या है, बैकअप क्या है, मिररिंग क्या है, सिस्टम बैकअप क्या है, उसको रिस्टोर कैसे करते हैं। जैसे डाउनलोडिंग जैसे इंस्टॉल कंप्लीट हो जाएगा तो आपको उसके वेब पेज के ऊपर मैसेज आएगा इंस्टॉल सक्सेसफुली यू कैन बिंग योर 30 डेज ट्रायल। उसके अंदर एक मैनुअल भी है, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा तो उसका मैनुअल पढ़ के भी आप उसे प्रोसेस कर सकते हो। क्लोन बैकअप के अंदर उसके बहुत मैनुअल के अंदर पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। जैसे हम लोग एंजॉय नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको उसका पूरा लेआउट यानी सॉफ्टवेयर के अंदर क्या क्या टूल्स है सारे होंगे। होम, बैकअप, सिंक्रोनाइजेशन, रिस्टोर। आपको पूछ रहा है कैन यू अपग्रेड टू न्यू विंडोज 11, हमें नहीं करना है तो हम लोग उसको क्लोज करेंगे। अगर करना है तो आप स्टार्ट नाउ के ऊपर क्लिक करके भी आप कर सकते हो। हम होम बटन के ऊपर जाएंगे तो आपको दो ऑप्शन न्यू बैकअप और न्यू सिंक्रोनाइजेशन। फिर बैकअप ऑप्शन है, बैकअप ऑप्शन के अंदर आपको करना है सिस्टम बैकअप, डिस्क बैकअप यानी पूरी हार्ड डिस्क का बैकअप, पार्टीशन यानी पर्टिकुलर पार्टीशन का बैकअप करना है तो पार्टीशन का बैकअप ही भी कर सकते हो। नेक्स्ट है फाइल बैकअप। फिर है सिंक्रोनाइजेशन, बेसिक सिंक्रोनाइजेशन, रियल टाइम, टू वेव और मिररिंग। नेक्स्ट के अंदर है रिस्टोर, आपको इमेज बैकअप रिस्टोर करना है तो नेक्स्ट है क्लोन, सिस्टम क्लोन, डिस्क क्लोन और पार्टीशन क्लोन। उसके बाद है टूल्स, विंडोज 11 अपडेट चेक करना है, बूटेबल ड्राइव क्रिएट करना है, एक्सप्लोर इमेज करना है, इमेज कहाँ पे बड़ी आपको नहीं पता है तो रिकवरी एनवायरमेंट, डिस्क को पूरा क्लीन करना है तो डिस्क वाइप यूज कर सकते हो, नोटिफिकेशन है। फिर स्टोरेज मैनेजमेंट यानी आपको देखना है कहाँ पर डेटा स्टोरेज किस वे में है। फिर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट और क्रिएट द पोर्टेबल वर्जन। नोटिफिकेशन के अंदर हमें एक नोटिफिकेशन आया हुआ है 60% ऑफ का, हमें नहीं चाहिए तो हम लोग मार्क एज अ ऑल रीड करके हम लोग जाएंगे बैकअप के ऊपर। हम लोग बैकअप के ऊपर सिस्टम बैकअप के ऊपर क्लिक करेंगे। सिस्टम बैकअप यानी हमारा जो सी ड्राइव है जिसके अंदर हमारे सारे सॉफ्टवेयर स्टोर होते हैं वही हम लोग जैसे उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो बाय डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली आपके जितने भी पार्टीशन होंगे सिस्टम के रिगार्डिंग सारे सिलेक्ट करेंगे। विंडोज 10 के 3 पार्टीशन क्रिएट होते हैं, विंडोज 7 के 2 क्रिएट होते हैं तो ऑटोमेटिकली 3 पार्टीशन सिलेक्ट हो जाएंगे। फिर हम लोग डेस्टिनेशन के अंदर
के अंदर उसका एक फोल्डर क्रिएट करेंगे ताकि हमें पता चल सके कि हमारा बैकअप कहाँ पे एग्जैक्टली स्टोर हो रहा है। इसलिए हम लोग विंडोज बैकअप AOMA करके फोल्डर बनाएंगे और उसके अंदर हम लोग इस बैकअप के ऊपर स्टार्ट बैकअप करेंगे तो बैकअप ऑटोमेटिकली उसके अंदर स्टार्ट हो जाएगा। आपको नीचे बहुत सारे ऑप्शन भी है, शेड्यूलिंग बहुत सारे ऑप्शन भी है, वो ऑप्शन यूज़ करके भी आप ऑटोमेटिकली उसको शेड्यूलिंग पे रखना है तब उसको शेड्यूलिंग को भी रख सकते हो ताकि आपको अगर और इसको इम्प्लीमेंटेड बैकअप करना है यानी हम जो कि आपने कोई भी सॉफ्टवेयर आज बैकअप लिया और कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया तो उसका भी बैकअप उस इमेज के अंदर इम्प्लीमेंट बैकअप के अंदर भी ये यूज़ कर सकते हैं। जब तक ये स्टार्ट होता है तब तक हम लोग और जानकारी प्राप्त करते हैं। क्लोन के अंदर क्या होता है कि आप हार्ड डिस्क आपको ओल्ड हार्ड डिस्क से न्यू हार्ड डिस्क सारा विदाउट डेटा लॉस चाहिए तो हम लोग क्लोन यूज़ करेंगे। और आपको यहाँ पर सेटिंग में एक ऑप्शन है, अगर जैसे ही बैकअप कंप्लीट होता है तो आपको सिस्टम शटडाउन करना है, रिस्टार्ट करना है, हाइब्रिड और स्लीप मोड में करना है तो आप कर सकते हो, ठीक है। इसके अंदर ऑपरेशन प्रायोरिटी पूछ रहा है, नॉर्मल, हाई और क्या करना है, मीडियम। अगर नहीं करना है तो हम लोग उसको कुछ छेड़छाड़ी नहीं करेंगे। ये जैसे ऑटोमेटिक आपकी आपके सी ड्राइव की साइज़ जितनी रहेगी उसके हिसाब से ये इमेज फाइल क्रिएट करेंगे। इनकेस अगर आपकी सी ड्राइव की साइज़ अगर 100 GB है उसमें से 15 GB स्पेस यूटिलाइजेस है तो ये 24 से 25 GB तक उसकी इमेज फाइल क्रिएट करेगा ताकि हमें इनकेस फ्यूचर में हमारा सिस्टम अगर क्रैश होता है और हमारा सिस्टम इनकेस अगर कुछ विंडोज़ फाइल मिसिंग होती तो हमें फिर से पूरा इंस्टॉलेशन नहीं करना पड़ता, ना कि विंडोज़ इंस्टॉल करना पड़ता है, ना कि सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता है। उस इमेज को हम लोग जैसे रिस्टोर करेंगे, रिस्टोर के अंदर आप जो भी उसकी आपकी इमेज फाइल है उस इमेज फाइल के ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली विंडोज़ के अंदर ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट के अंदर देखते हैं। इसके अंदर इसका मैनुअल भी पढ़ सकते हो, सिस्टम रिक्वायरमेंट क्या है, इसकी सिस्टम रिक्वायरमेंट 500 MHz है, 256 रैम है, इसका बैकअप है। इसके मैनुअल के अंदर आपको बारीकी से बारीकी चीज़ दी गई है, अगर मैंने वीडियो के अंदर कवर नहीं की गई है तो आपको इसके वेबसाइट के अंदर इसके मैनुअल के अंदर आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। जैसे यहाँ पे आप लोग मिररिंग का देख रहे हैं, मेथड 1 मेथड 2 आपको और शेड्यूलिंग किस वे में, अगर आप पर्टिकुलर शेड्यूलिंग करना है कि ये डे में ये टाइम में मेरा बैकअप हो तो उस टाइम में भी बैकअप हो सकता है। आप इसका मैनुअल अच्छी तरह से रीड कर ले ताकि इसके सारे फीचर्स आपको पता चल सके। इसके अंदर फीचर बहुत सारे, बैकअप, ड्राइव सिंक्रोनाइजेशन, फ्लेक्सिबल क्लोन ऑल टाइप्स, और जैसे डाउनलोड बटन के ऊपर क्लिक करके तो आपको वहाँ पे बहुत सारे टूल्स उसके जो भी होंगे और उसकी वेबसाइट के ऊपर उसके ट्यूटोरियल भी है तो ट्यूटोरियल आप देख के भी आसानी से आपके विंडोज़ और आपके हार्ड डिस्क का और आपके डेटा बैकअप सिक्योर कर सकते हो। आप देख रहे हैं विंडोज सर्वर बैकअप है, फ्री बैकअप क्लोन है, उसके नीचे सिस्टम माइग्रेशन, डिस्क गाइड, फाइल फोल्डर सिंक्रोनाइजेशन, सेकंड पेज के अंदर बहुत सारे वीडियोस है, डिस्क सिमिलर, हार्डवेयर इंस्टॉलेशन गाइड, बैकअप एंड रिकवरी गाइड है, एडमिन बैकअप एंड रिकवरी गाइड, और उसके नीचे और भी बहुत सारे हैं, PXC नेटवर्क टूल्स गाइड, 1 की रिकवरी गाइडलाइन। और थर्ड पेज के ऊपर जाएंगे तो वहाँ पे भी हमें हार्ड ड्राइव इमेज सॉफ्टवेयर है, हाउ टू बैकअप एंड क्लोन एंड रिस्टोर का ऑप्शन भी है। इसके वेबसाइट के अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर दी गई है ताकि आपको आप खुद से सिस्टम को बैकअप भी ले सकते हो और फॉर्मेट भी कर सकते हो विदाउट एनी इंजीनियर की हेल्प लिए बिना। आपको यहाँ पे पूछ रहा है बैकअप करना है तो क्रिएट नाउ के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो ये बैकअप होना शुरू हो जाएगा। हमें पूछ रहा है बैकअप कंप्लीट सक्सेसफुली, जैसे सक्सेसफुल होगा तो फिनिश का ऊपर ओके आएगा। आपको यहाँ पे गाइडलाइंस दे रहा है कि किस वे में करना है, अनेबल करना है बुटेबल, तो जैसे हम लोग ओके करेंगे तो जैसे सिस्टम रिस्टार्ट होगा तो आपको वहाँ पे पूछेगा कि कौन सा क्लिक करना है। जैसे हम लोग ब्रांडेड कोई लैपटॉप परचेस करते हैं तो उसके अंदर भी इनबिल्ट होता है, वैसे हम लोग अभी ड्री ड्राइव के अंदर के ऊपर क्लिक करेंगे और क्लिक करके हम लोग देखेंगे विंडोज़ बैकअप फाइल सिस्टम इमेज के अंदर। आप देख रहे हो 56 GB की फाइल क्रिएट हो चुकी है, यानी मेरी हार्ड डिस्क की साइज़ 56 GB से ज़्यादा है। उसका एक्सटेंशन है ADI,
सबका बैकअप एक्सटेंशन अलग अलग होता है, इसका एक्सटेंशन है AD है। नेक्स्ट में हम लोग रिस्टोर के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे हम लोग रिस्टोर के ऊपर क्लिक करेंगे तो पूछ रहे सिलेक्ट इमेज, जो भी उसकी सिलेक्ट लोकेशन होगी, जैसे नेटवर्क में तो हम लोग नेटवर्क सिलेक्ट करेंगे, और नेटवर्क में नहीं और फिजिकल हार्ड डिस्क में तो जो भी लोकेशन है, जैसे मेरे डी के अंदर है तो मैं डी के ऊपर सिलेक्ट करूँगा। सिस्टम बैकअप के ऊपर सिलेक्ट करने के बाद आपको तीन पार्टीशन पूछ रहे हैं, जैसे नेक्स्ट करूँगा तो ऑटोमेटिकली डेस्टिनेशन भी तीनों पार्टीशन ऑटोमेटिकली वो सिलेक्ट करेगा। हम लोग सोर्स करना है पूछ रहे हैं, सोर्स एंड डेस्टिनेशन दोनों इक्वली वो क्रिएट क्रिएट करेगा अगर न्यू फ्रेश हार्ड डिस्क है तो। जैसे हम लोग स्टार्ट रिस्टोर करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका सारा डेटा न्यू हार्ड डिस्क के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा विदाउट एनी एप्लीकेशन लॉस और विदाउट एनी डेटा लॉस, सारे सेटिंग्स एज इट इज उसके अंदर आ जाएंगे। इस वजह से हम लोग बैकअप भी क्रिएट कर सकते हैं और रिस्टोर भी कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है, क्योंकि मैं भी ऑलरेडी यूज़ कर चुका हूँ और मैं भी करेंटली यूज़ कर रहा हूँ, ताकि मुझे किसी इंजीनियर को बुलाना ना पड़े, मैं खुद से उसका बैकअप भी ले सकता हूँ और खुद से उसको रिस्टोर भी कर सकता हूँ। उसके अंदर और ऑप्शन है मिरर ऑप्शन, आप देख रहे हैं टू वे है, बेसिक सिंक्रोनाइजेशन है, उसके अंदर हम लोग फोल्डर ऐड करके भी हम लोग उसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ के अंदर शेड्यूलिंग ऑप्शन है, शेड्यूलिंग के अंदर हमें वहाँ पे डेट और टाइमिंग भी दिया गया है। बैकअप के अंदर आपको सिस्टम बैकअप है, डिस्क बैकअप है, फिर पार्टीशन बैकअप है। पार्टीशन बैकअप के अंदर आपको पर्टिकुलर पार्टीशन का बैकअप करना है और उसका शेड्यूलिंग करना है, तब उसका शेड्यूलिंग भी कर सकते हो। फुल बैकअप करना है, इंक्रीमेंटल करना है, डिफरेंट बैकअप करना है तो उस हिसाब से कर सकते हो। क्लोन, क्लोन जैसे मैंने बताया था, सिस्टम क्लोन, डिस्क क्लोन, ठीक है। अभी उसके होम पेज के अंदर अगर आपको बाय करना है और रजिस्टर करना है तब उसको बाय भी कर सकते हो और रजिस्टर भी कर सकते हो। जैसे बाय नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे तो उसकी एक वेब पेज ओपन होगी। मेरा इंटरनेट स्लो है इसलिए आपको धीरे से ओपन हो रही है, अगर आपका इंटरनेट अच्छा है तो आपको फटाफट ओपन होगी, क्योंकि मैंने इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो चुका है। जैसे मैं इंटरनेट कनेक्ट करूँगा तो ये होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। मैंने इंटरनेट कनेक्ट कर दिए, आपको पूछ रहा है बाय नाउ, ये अभी ऑफर चल रहा है उनका $45.95, तो आपको इंडियन रुपीज़ के हिसाब से भी परचेस हो जाएगा। ये जेन्यून सॉफ्टवेयर है, आप इसे यूज़ करिए, ये बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, आपको आगे भी बहुत काम आने वाला है। ये वीडियो में आपको कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट करके बता सकते हो। सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।